नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं राजेश चौधरी, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम हिंदी भाषा की श्रृंखला में दो तीन पाठ पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्वर वर्णों का वर्गीकरण। और स्वर वर्णों का वर्गीकरण पांच प्रकार से होता है। उसमें पहला पढ़ा हमने मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर तीन भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या हमने पढ़ी चार, दीर्घ सात, और प्लुत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण तिगुने समय में करते हैं और जिसके साथ प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पढ़ा हमने ओष्ठों के आधार पर, जिनके हमने दो भेद किए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में हमने पढ़े चार स्वर होते हैं और अवृत्ताकार में पढ़े कि शेष सभी स्वर जिनमें होठ हमारे गोल नहीं होते वो अवृत्ताकार होते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं तीसरा वर्गीकरण। उसी क्रम में तीसरा वर्गीकरण देखते हैं हम। तीसरा वर्गीकरण है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरवर्ण। दोस्तों, ये हम बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें सीख रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन से हैं अपने? उच्चारण के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है अपना अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। मैंने पहले भी आपको बताया था ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, जो हमने पढ़ा था कि अनुनासिक और निर्नुनासिक। अब इन शब्द का ही हम विच्छेद कर लें तो देखो, अनुधननासिका, अनुधननासिका, नासिका का शाब्दिक अर्थ होता है नाक, और अनु का मतलब होता है सहयोग करना, यानी कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण हम मुख से करते हैं, या ऐसे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण हम मुख से करते हैं लेकिन मुख के साथ साथ हम नासिका का या नाक का सहयोग लेते हैं, वे सभी अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात उन सभी स्वरों को अनुनासिक कहा जाता है जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक की सहायता से किया जाता है। दूसरे निर्नुनासिक, तो इसका विच्छेद करेंगे, निर धन अनु धन नासिका, अर्थात निर उपसर्ग लगा हुआ है। निर का मतलब नकारात्मक होता है, नहीं होता है। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हमें नासिका का कोई सहयोग नहीं लेना होता। बिना नासिका के सहयोग से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण कर लेते हैं वे सभी ध्वनियां निर्नुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं। क्या इनका और नाम भी हो सकता है? तो अनुनासिक को हम सानुनासिक, सानुनासिक ध्वनियां भी कह सकते हैं, स अनुनासिक। और इनको हम एक नाम और दे सकते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। दोनों की परिभाषा एक बार फिर सुने कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हम मुख के साथ साथ नासिका का सहयोग लेते हैं, नासिका के माध्यम से उच्चारित करते हैं, वे सभी ध्वनियां अनुनासिक कहलाती हैं। तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण में नासिका का कोई सहयोग नहीं लिया जाता वे
निर्णुनासिक या अननुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं। अननुनासिक का विच्छेद करेंगे जब हम, तो बनेगा अन धन अनु धन नासिका, और अ अन निर इन सभी का उपसर्ग के रूप में नकारात्मक अर्थ लिया जाता है, अर्थात अन्य का मतलब भी होता है नहीं। जैसे हम कहें अज्ञान, एक अर्थ लिया हमने जिसको ज्ञान नहीं, निर्जन निर्जन जहां लोग नहीं रहते हैं, जन यानी लोग, निर्धन जिसके पास धन नहीं है वो क्या कहलाएंगे, निर्धन। अर्थात ए अन अन निर इन सभी उपसर्गों का अर्थ नकारात्मक लिया जाता है, और इनका अर्थ लेंगे हम नकारात्मक। अर्थात दो भेद कर दिए हमने, अनुनासिक और निर्णुनासिक। अब हम बात करें कि कौन कौन से वर्ण अनुनासिक होते हैं और कौन से वर्ण अनुनासिक नहीं होते हैं, तो वो होंगे अपने, पहले बात करें हम अनुनासिक ध्वनियों की, कि अनुनासिक ध्वनियां कौन सी होती हैं। अनुनासिक तो परिभाषा क्या बन गई, परिभाषा बनी कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हम मुख के साथ साथ नासिका का सहयोग लेते हैं, वे सभी ध्वनियां अनुनासिक ध्वनि कहलाती हैं। होती कौन सी हैं, देखिए अनुनासिक ध्वनियां होंगी अपनी अ आ ई उ उ री ए आई ओ और औ। क्या दोस्तों ये अनुनासिक ध्वनियां हैं? अभी ये अनुनासिक ध्वनियां नहीं हैं। जब हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्रबिंदु लगा देते हैं, इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा देते हैं, तो ये ध्वनियां क्या बन जाएंगी, अनुनासिक ध्वनियां बन जाती हैं। क्या बनेंगी, अनुनासिक ध्वनियां बन जाती हैं। क्या बनेंगी, ये अनुनासिक ध्वनियां बन जाती हैं। लेकिन अब हमें एक चीज और देखने को मिली कि यहां मैंने चंद्रबिंदु लगाया और इनके ऊपर केवल बिंदु लगाया, यहां मैंने चंद्रबिंदु के साथ क्या लगाया, केवल बिंदु लगाया, फिर इन तीन वर्णों पर भी क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया, और इस पर भी बिंदु लगाया, ऐसा क्यों? सभी को हम अनुनासिक कह रहे हैं, सभी पे बिंदु लगा दें या चंद्र बिंदु लगा दें, लेकिन जो ध्वनियां शिरोरेखा से, कल भी मैंने बताया था, शिरोरेखा कहते हैं कि जो वर्ण के ऊपर, जैसे मैंने लिख दिया अ वर्ण, अब इस अ वर्ण के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिर बांधना या शिरोरेखा कहा जाता है। अर्थात जो ध्वनियां शिरोरेखा से ऊपर निकलती हैं, शिरोरेखा से ऊपर निकलती हैं, उन्हें उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, तथा जो जो शिरोरेखा से नीचे रहती हैं उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, और जो शिरोरेखा से ऊपर निकलती हैं उनके ऊपर चंद्र को हटाकर केवल बिंदु लगाया जाता है, चंद्र को हटाकर केवल बिंदु लगाया जाता है। अर्थात इसे हम कहेंगे चंद्रबिंदु, इसे क्या नाम देंगे, चंद्रबिंदु, इसे कहेंगे चंद्रबिंदु, और इसे कहेंगे हम केवल बिंदु, क्या नाम देंगे, बिंदु। अभी एक कई जगह हमने ये आकृति भी बनी हुई देखी होगी, ये देखो ये बिंदु और ये चंद्र, ये बिंदु और ये चंद्र, अब यहां से बिंदु को हटा दिया गया तो ये क्या बन गया, केवल चंद्र, अर्थात इसे कहेंगे हम अर्धचंद्र, क्या कहेंगे, अर्ध, इसे बोलेंगे हम अर्धचंद्र, क्या नाम देंगे, इसे हम अर्धचंद्र कहा जाता है, अर्धचंद्र कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हम बहुत जगह लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, कॉलेज, डॉक्टर, इनका उच्चारण भी हम ओके रूप में करते हैं, लेकिन ये जो अर्धचंद्र बिंदु है, ये जो अर्धचंद्र है, ये आगत स्वर है, इसको क्या कहेंगे हम, आगत स्वर, या इसे हम कहेंगे विदेशी स्वर, क्या नाम देंगे इसे, विदेशी
विदेशी स्वर। और दोस्तों इनको हम विदेशी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इनको विदेशी शब्दों में अर्थात इस अर्धचंद्र से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो विदेशी शब्द होते हैं, अर्थात उनको विदेशी शब्दों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तथा इनको हिंदी भाषा लचीली भाषा है, हिंदी भाषा लचीली भाषा है, दूसरी भाषा के शब्द समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इसे ग्रहित वर्ण भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का ग्रहित वर्ण भी कहा जाता है, ग्रहित वर्ण भी कहा जाता है, ग्रहित वर्ण की में ग्रहित स्वर वर्ण भी कहेंगे। अर्थात अब अपने पास प्रश्न आए कि विदेश ग्रहित वर्ण स्वर वर्ण कौन सा है, तो जिसको हम अंग्रेजी वाला ओ बोलते हैं, अंग्रेजी वाला ओ बोलते हैं, जिसके हम कैसे लिखेंगे, ओ कैसे लिखेंगे हम, ओ इसको कहेंगे हम विदेशी स्वर, आगत स्वर, या इसे ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। अर्थात अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होंगी, अनुनासिक ध्वनियाँ होंगी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम मुख के साथ साथ नासिका का सहयोग लेना होता है, वे अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं, वे अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अनुनासिक ध्वनियों में शिरोरेखा के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाया जाता है, अर्थात जो ध्वनियाँ शिरोरेखा से नीचे रहती हैं उनके ऊपर अनुनासिक बनाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तथा जो ध्वनियाँ शिरोरेखा से ऊपर निकलती हैं उनके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, तथा जिसके ऊपर केवल अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे हम आगत स्वर या विदेशी स्वर भी कहते हैं, तथा हिंदी भाषा ने उसे ग्रहण कर लिया जिसके कारण से इसे ग्रहित स्वर भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहेंगे, ग्रहित स्वर। अब हम बात करें अगले निर्णुनासिक वर्णों की, निर्णुनासिक वर्णों की, तो निर्णुनासिक वर्ण है दूसरा वर्गीकरण, निर्णुनासिक, निर्णुनासिक स्वर, निर्णुनासिक स्वर। निर्णुनासिक कौन से होंगे कि जिनके उच्चारण में नासिका का कोई सहयोग नहीं लिया जाता है, वे निर्णुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहेंगे उनको, निर्णुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्णुनासिक स्वर कौन से होंगे कि जिनके ऊपर न तो कोई बिंदु लगेगा और न कोई चंद्र बिंदु लगेगा, वे सभी स्वर क्या कहलाएंगे अपने, निर्णुनासिक स्वर कहला देते हैं। अर्थात जिनके ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा देते हैं वो अनुनासिक, और जिनके ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता वे निर्णुनासिक स्वर कहलाएंगे। अब हम बात करें हमारे सामने एक जैसे तीन वर्ण आ गए, जैसे हम कहें ए, एक हमने पढ़ा अंग और एक हमने पढ़ लिया चंद्र बिंदु वाला, इन तीनों में देखो क्या अंतर आया कि इसे हम केवल स्वर कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। इसे हम क्या नाम देंगे, अनुस्वार, कि जिसके ऊपर केवल बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार कहेंगे, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे हम अनुनासिक कहेंगे। क्या नाम देंगे उसे, अनुनासिक। अर्थात ये ऐसी छोटी छोटी माइनर जानकारियों का हमें जानकारी होनी चाहिए, हम भाषा के अध्यापक हैं, भाषा के छात्र हैं, अर्थात हमें छोटी छोटी जानकारियां रखनी चाहिए कि ये ए आए तो केवल स्वर कहलाएगा, जिसके ऊपर केवल बिंदु लगा हो उसे हम अनुस्वार कहेंगे, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अब हम बात करें अगले वर्गीकरण की, पहला पढ़ा हमने मात्रा काल के आधार पर जिसके हमने तीन भेद कर दिए, दूसरा पढ़ा हमने ओष्ठों के आधार पर जिसके हमने दो भेद किए, अब तीसरा पढ़ा हमने उच्चारण के आधार पर जिसके हमने दो भेद किए, अनुनासिक और निर्णुनासिक। अब हम बात करते हैं चौथे वर्गीकरण की, अपना चौथा वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर हम इन्हें तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। जिह्वा के आधार पर कितने भेद हो गए, तीन भेद। अर्थात जब हम ये अपने दांत हो गए और ये अपना मुख और बीच में अपनी ये जिह्वा, अपनी ये क्या बन गई, जिह्वा बन गई। अब ये अपनी जिह्वा जब, यानी कि इस जिह्वा को हम तीन भागों में बांटेंगे,
जो आगे आगे का हिस्सा है वो कहलाएंगे अपने अग्रस्वर, जो मध्य का भाग है उसे कहेंगे हम मध्य स्वर, यानी कि जीवा के मध्य स्वर से उच्चा मध्य भाग से उच्चारित होने वाले कहलाएंगे मध्य, और जीवा के पश्च भाग से यानी कि यहाँ अपने जो नासिका का छिद्र है उसके पास से जो उच्चारित होंगे वो कहलाएंगे पश्च ध्वनिया, पश्च स्वर। क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। यानी कि तीन भागों में बांटेंगे हम, तीन भागों में बांट देंगे इनको। कौन कौन से हो गए अपने? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी कि जीवा के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण बन गया? अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, अर्थात जीवा के आधार पर तीन भेद करेंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले आ गए अपना अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, दूसरा हो गया अपना मध्य स्वर, मध्य स्वर, कौन सा हुआ? मध्य स्वर, मध्य स्वर। अब देखो मध्य का मतलब हो गया केंद्र भाग, तो इनको दूसरा नाम दे सकते हैं हम केंद्रीय स्वर, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में मध्य स्वर नहीं पूछा जाकर केंद्रीय स्वर पूछ लिया जाता है कि दिए गए विकल्पों में केंद्रीय स्वर बताइए, दिए गए विकल्पों में केंद्रीय स्वर बताइए, अर्थात मध्य का ही दूसरा नाम क्या बन जाएगा? अपना केंद्रीय स्वर। और तीसरा बनेगा अपना पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे हम? तीन भागों में बांट देंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब हुआ किसकी बात कर रहे हैं हम? जिह्वा की। जिह्वा के आधार पर हम तीन भाग करते हैं कि जिह्वा का जब अगला हिस्सा ही सक्रिय हो, अगला हिस्सा हिले, अगला हिस्सा कंपन करे, वो ध्वनियां कहलाएंगी अपने अग्रस्वर, तथा जो जीवा के मध्य भाग से उच्चारित हो वो कहलाएंगे मध्य स्वर, और जीवा के सबसे पीछे का भाग, सबसे पीछे के भाग की बात करें तो वहां आ जाता है अपना जड़ भाग, उनको कहेंगे जड़ स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं और केंद्रीय स्वर कौन से हैं? सबसे पहले बात करें हम मध्य स्वर की, तो ये होता है केवल एक ही ए। कौन सा होगा? ए बोल के देखिए आप, सीधे ही जीभ बिना हिले मध्य से उच्चारित हो जाती है, स्वर जो होता है वो मध्य से उच्चारित हो जाता है। इसके अलावा अग्र स्वर होंगे अपने ई, ए आई और री, ई ए आई और री। अब शेष बचे अपने पास अ, उ, ओ। अब इन सभी वर्णों का आप उच्चारण करके देखिए, जब हम ई बोलते हैं, जब हम ई बोलते हैं तो जीवा आगे से ही कंपन करती है, जब हम ई ए आई बोलें तो केवल जीवा का अगला ही हिस्सा कंपन करता है, री बोलें तो केवल जीवा का आगे का भाग सक्रिय होता है, कंपन करता है, इसलिए इनको कहेंगे हम अग्रस्वर। केवल मध्य या केंद्रीय स्वर एक ही है ए, और बच्चों सर्वाधिक मात्रा में जब भी जीवा के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है निश्चित तौर से केंद्रीय या मध्य स्वर का ही प्रश्न आता है, क्योंकि जो अकेला होता है उसे ज़्यादा घसीटा जाता है, अकेले बिंदु को परीक्षाओं में ज़्यादा बार पूछा जाता है, और जीवा के आधार पर सर्वाधिक बार पूछा गया यही प्रश्न है कि जीवा के आधार पर केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा है, तो केंद्रीय या मध्य स्वर कौन सा है? ए। और शेष भी अपने कौन से में आ जाएंगे? अपने पश्च या जड़ भाग के स्वर कहलाते हैं, अर्थात चौथा वर्गीकरण पढ़ा हमने जीवा के आधार पर, और जीवा के आधार पर कितने भेद हो गए? तीन, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होंगे? जिनका उच्चारण करने में, हमारी जीवा का सबसे आगे का भाग सक्रिय होता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करने में हमारी जीवा का मध्य भाग सक्रिय होता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं, तथा जीवा का जब जड़ भाग सक्रिय होता है वे जड़ या पश्च स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम पांचवें वर्गीकरण की, अब हम बात करते हैं पांचवें वर्गीकरण की, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर
मुखाकृति के आधार पर या तालु के आधार पर, या इसे हम क्या कहें, तालु के आधार पर, मुखाकृति या तालु के आधार पर। दोस्तों जब हम उच्चारण करते हैं तो अलग अलग वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह कम ज्यादा खुलता है, कभी हम कम खोलते हैं, कभी ज्यादा खोलते हैं, कभी उससे कम खोलते हैं। अर्थात ये स्थिति कौन तय करती है, तालु तय करती है कि हमारा मुंह कौन से वर्ण में कितना खुलेगा। और ये तालु कैसे तय करेगी, तालु का हम यदि पार्ट देखें तो जब हमारी जीवा जो है, हमारी जो जीवा होती है, इस जीवा के जब ये अपने दांत और ये इनके बाद में मसूड़े और तालु, ये फिर अपना दांत और ये नीचे का पार्ट, और ये अपने आ गई जीवा अपने इस पार्ट में। अब देखिए जब जीवा अपने ऊपर, ये दांत दंत भाग और दंतों से ऊपर का जो भाग आता है इसे हम कहते हैं मूर्धा भाग, क्या नाम देंगे, मूर्धा। और मूर्धा के ऊपर का जो भाग है, मूर्धा के बीच से और यहां तक जो नासिका की नली है उसके बीच के भाग को हम कहते हैं तालु, क्या कहेंगे, तालु। तो दोस्तों ये अपनी जो जीवा है, ये अपनी जो जीवा है, ये जीवा तालु में कौन कौन सी जगह स्पर्श करती है और कौन सी आकृति बना देती है, कौन कौन सी जगह टच होती है और कौन सी आकृति बनाती है। अब देखो जब हमारी जीवा यहां से उठकर सीधी ऊपर तालु में लग जाए, सीधी ऊपर तालु में लगे तो यहां से अपना जो आवाज निकलेगी, यहां से जो ध्वनि निकलकर आएगी वो केवल अपनी जीवा के सामने टकराएगी, अर्थात हमारी जीवा मुख को बिल्कुल बंद कर देती है। मुख को बिल्कुल बंद करने के बाद में झटके से हम वर्ण का उच्चारित करते हैं तो बंद, ये बिल्कुल बंद हो गया, पहली कंडीशन क्या हो गई कि बिल्कुल बंद हुआ हुआ अपना तालु। दूसरा जब हमारी जीवा यहां से उठकर यहां लग जाती है तो इसको हम कहेंगे, देखो ये अगला बंद, आगे से बंद हुआ, आगे बंद, और ये पीछे बंद, ये आगे बंद और ये पीछे बंद हो गया। अब हम बात करें कि आगे वाले बंद को, आगे वाले बंद को कहेंगे हम संवृत स्वर, संवृत, आगे वाले को क्या कहेंगे, संवृत। और पीछे वाले बंद को, पीछे वाले बंद के कारण से देखो जब यहां बंद हो जाता है तो इससे आगे का पूरा भाग क्या रहता है, खुला, यानी कि पीछे से बंद करेंगे तो ये पूरा क्या हो गया, खुला। अर्थात इस खुले को नाम देंगे हम विवृत, खुले को नाम क्या देंगे, विवृत, यानी कि सबसे आगे का जो पूरा भाग बंद हो जाता है उसे कहेंगे हम संवृत, और जब पीछे का पूरा भाग बंद हो जाता है उसके आगे पूरा खुला रहता है उसको कहेंगे हम विवृत स्वर, विवृत ध्वनिया। अब हम बात करें कि ये जब जीवा अपनी यहां से उठकर यहां लग जाती है तो अब कंडीशन दो बन गई, आधा आगे का खुला और आधा पीछे का खुला, यानी कि संवृत का भी आधा और विवृत का भी आधा बन गया, संवृत का भी आधा बना और विवृत का भी आधा बना। तो ये आगे आगे संवृत भाग था तो इसको कह देंगे हम अर्ध संवृत, क्या कहेंगे, अर्ध संवृत, और इससे क्या कह देंगे हम अर्ध विवृत, क्या कहेंगे हम अर्ध विवृत। अब देखो चारों की परिभाषा सुनिए आप, ये पूरा बंद है, आगे का भाग पूरा बंद है और उसके बाद में हम उच्चारण करें, अर्थात बिल्कुल कम खुलते ही उच्चारण हो जाता है, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख नय के बराबर खुलता है, हमारा मुख यहां से नय के बराबर खुलता है वो स्वर कहलाएंगे संवृत स्वर, और हमारा मुख पूरा खुला रहता है, सर्वाधिक खुला रहता है वो कहलाएंगे विवृत स्वर। जब हमारा मुख संवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाए, संवृत से थोड़ा ज्यादा खुलेगा तो वो कहलाएगा अर्ध संवृत, और विवृत से थोड़ा कम खुलेगा वो कहलाएगा अर्ध विवृत स्वर। अब हम बात करें कि कौन कौन से स्वर कौन कौन से में आएंगे, तो पहला रिजल्ट तो ये निकला कि इनके चार भेद हो गए, यानी मुखाकृति के आधार पर भेद कितने हो गए, चार। और पहला है इनमें संवृत, संवृत स्वर, पहला कौन सा हो गया, संवृत स्वर, पहला
कौन सा हो अपना? समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। दूसरा, दूसरा हो गया अपना विवृत, विवृत स्वर। तीसरा बन गया अपना अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। और चौथा हो गया अपना अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अब देखो ये बिल्कुल बंद है, ये आगे का बंद, ये पीछे का बंद, ये आगे का आधा खुला और ये पीछे का आधा खुला। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमारा मुख बिल्कुल कम खुलता है या न के बराबर खुलता है, 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 वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। दोस्तों बहुत बार इनकी परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो आप साथ साथ अपनी कॉपी में परिभाषा आदि को नोट करते चलिएगा, जिससे कि हमें इनको याद करने में सहूलियत रहेगी कि जब हमारा मुंह बिल्कुल कम खुलेगा, नय के बराबर खुलेगा, वो क्या कहलाएंगे? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और समृद्ध स्वर कौन कौन से होंगे? तो ये होंगे ई और ऊ और री, ई ऊ और री। फिर बात करते हैं विवृत। विवृत में सबसे अधिक खुलेगा और वो वर्ण बनेगा आ। कौन सा बनेगा? आवर्ण। जब आ बोलते हैं तो हमारा संपूर्ण मुंह खुल जाता है, आ आ बोलते ही सर्वाधिक मुंह खुलता है। फिर बात करते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में आएंगे अपने ए और ओ, और अर्ध विवृत में आ जाएंगे ए ऐ और औ, ए ऐ औ। तो दोस्तों ये थे अपने स्वर वर्णों के 5 वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण मात्रा काल के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण पढ़ा हमने ओष्ठ के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण पढ़ा हमने उच्चारण के आधार पर, चौथा वर्गीकरण पढ़ा हमने जीवा के आधार पर, और पांचवा वर्गीकरण पढ़ लिया हमने मुखाकृति के आधार पर। अर्थात स्वर वर्णों का वर्गीकरण 5 प्रकार से करेंगे, मात्रा काल, ओष्ठ, उच्चारण, मुखाकृति और अपने ओष्ठ के आधार पर। इन पांचों वर्गीकरणों से हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात पांचों वर्गीकरण अपने को कंप्लीट याद होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न से सारे वर्गीकरण पूछ लिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम जब तक अपने सारे वर्गीकरण याद नहीं होंगे तब तक हम उत्तर नहीं निकाल पाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रश्न दूं आपको कि ए वर्ण का सही वर्गीकरण, ए वर्ण का सही वर्गीकरण है, ए वर्ण का सही वर्गीकरण है, और ए में दे दिया कि ए ह्रस्व स्वर होता है, ए ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा ए अनु निर्णुनासिक होता है, ए निर्णुनासिक होता है, ए वृत्ताकार होता है, एवं निर्णुनासिक ए वृत्ताकार मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, और उनके बाद में हम बात करें कि अर्ध विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है। ऐसे ही दूसरा विकल्प बना दिया कि हसु और निर्णुनासिक को छोड़ दिया, ए वृत्ताकार की जगह दे दिया यहाँ वृत्ताकार, और आगे के दोनों विकल्प ज्यों के त्यों छोड़ दिए। फिर हम बात करें तीसरे विकल्प की कि तीसरे विकल्प में तीन वर्गीकरण ऐसे के ऐसे दे दिए, मध्य की जगह पश्च कर दिया यहाँ, और अर्धविवृत की जगह विवृत कर दिया, और फिर विकल्प बन गया अपना तीन कि इनमें से कौन सा है, और चौथा विकल्प कौन सा होगा अपना। तो चौथे विकल्प में ये सारे छोड़ते हुए यहाँ पहुंच गए हम संवृत में, और अपने विकल्प को बदल दिया। अर्थात दोस्तों अब ये वर्गीकरण, ये उत्तर हम तभी कर पाएंगे, ऐसे प्रश्न को हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पांचों विकल्प कंठस्थ याद हैं, बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ा है, याद किया है, तो ही हम उत्तर निकाल पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए,
बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा और कौन से उत्तर गलत हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों ये हो गए अपने स्वर वर्ण कंप्लीट, स्वर वर्णों के पांचों वर्गीकरण कंप्लीट हो गए। कल हम प्रारंभ करेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। जिस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा वैसे ही व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तथा कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।